हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरपीएससी ज्ञान। इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर बायोलॉजी क्वेश्चंस करेंगे फॉर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एंड अदर टीचर एग्ज़ाम। और जिन भी एग्ज़ाम्स में साइंस के क्वेश्चन आते हैं, साइंस आती है, तो उसके लिए भी ये इक्वली इम्पॉर्टेंट है। आई होप आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे वीडियो का, निम्नलिखित में से उस सही युग्म को पहचानिए जो टाइफाइड ज्वर के कारक और टाइफाइड के पुष्टि परीक्षण को निरूपित करता है, यानी आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर रिप्रेजेंटिंग द कॉजेटिव एजेंट ऑफ टाइफाइड फीवर एंड द कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर टाइफाइड। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा कि जो टाइफाइड है वो साल्मोनेला टाइफी से होती है, और इसका जो टेस्ट होता है वो होता है विडाल टेस्ट। तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह अनुवांशिक विकार कौन सा है जिसमें एक व्यक्ति में मुख्यतः पौरुष विकास होता है, मादा लक्षण होते हैं और बांझ होता है, यानी व्हाट इज़ द जेनेटिक डिसऑर्डर इन विच एन इंडिविजुअल हैज़ एन ओवरऑल मैस्कुलाइन डेवलपमेंट, गायनेकोमास्टिया एंड इज स्टराइल। तो ये जो होता है वो होता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, जो है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो कि ट्राइसोमी की वजह से होता है। इसमें क्या होता है कि 44 प्लस एक्स एक्स एंड वाई जो है जीन्स आ जाते हैं, एक एक्स्ट्रा जो है जीन आ जाता है इसमें, तो 47 जो है जीन्स हो जाते हैं, क्रोमोसोम्स हो जाते हैं इसमें, सॉरी। तो ये जो है क्रोमोसोम्स की ट्राइसोमी की वजह से हो जाता है, एक्स एक्स क्रोमोसोम और एक वाई क्रोमोसोम जो है इसमें, तो एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होता है। सो ये इसमें ओवरऑल जो है वो मैस्कुलाइन डेवलपमेंट रहता है, गायनेकोमास्टिया एंड स्टराइल होता है ये। तो ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का लक्षण होता है। नेक्स्ट है, पॉलीब्लेंड पुनश्चक्रित रूपांतरित प्लास्टिड का महीन पाउडर है जो निम्नलिखित में से किसके लिए एक सुयोग्य पदार्थ के रूप में पुष्टिकृत हुई है। पॉलीब्लेंड अ फाइन पाउडर ऑफ रिसाइकल्ड मॉडिफाइड प्लास्टिक हैज़ प्रूव टू बी अ गुड मटीरियल फॉर। तो ये जो है जो पॉलीब्लेंड है इसको हम यूज़ करते हैं जो सड़कें हैं उनके निर्माण में, इसको हम मिक्स करते हैं बिटुमेन के साथ और फिर इसको रोड्स जो है बनाने के लिए काम में लिया जाता है, यानी बिटुमेन के साथ मिला के और सड़क के निर्माण में इसी का काम होता है पॉलीब्लेंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी विधि नाभिकीय अवशिष्टों के निपटान के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। Which of these following method is the most suitable for disposal of nuclear waste? तो सबसे पहला है कि अपशिष्ट को अंतरिक्ष में दाग देना, तो ये तो बिल्कुल भी सही मेथड नहीं है कि शूट द वेस्ट इन टू स्पेस। तो इससे स्पेस जो है उसकी जंक जो है डिब्रीज जो है वो बढ़ जाएंगी। और अपशिष्ट की अंटार्कटिका के हिम आच्छादन में दबा देना, बरी द वेस्ट अंडर आर्कट एंटार्कटिक आइस कवर, तो ये भी इसका सही जो है मेथड नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं, डम्प द वेस्ट इनटू विद इन रॉक्स अंडर डीप ओशन, तो अपशिष्ट को गहरे महासागर के नीचे चट्टानों में डाल देना, तो ये भी जो है बिल्कुल सही नहीं होगा। बरी द वेस्ट विद इन रॉक्स डीप बिलो द अर्थ सर्फेस, अगर हम अपशिष्ट को पृथ्वी की सतह के नीचे गहरी चट्टानों में दबा देंगे तो ये जो है उसका एकदम जो है प्रॉपर वे होगा डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट, जिससे कि जो न्यूक्लियर रेडिएशंस हैं वो भी नहीं फैलेंगी और इससे जो है नुकसान भी नहीं होगा। तो ये वेस्ट जो है वो बिलो अर्थ सरफेस एटलीस्ट 500 मीटर जो है बिलो अर्थ सरफेस जो है हम इसे बरी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन थोड़े जो है ब्लर्स हैं लेकिन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन प्रोटोजोअन आर प्लेस्ड इन, पांच जगत विभाजन के अनुसार प्रोटोजोआ को रखा गया है। तो प्रोटोजोआ जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं लेकिन ये यूकैरियोटिक एनिमल्स हैं और ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रहता है इनका। इसमें आते हैं डायटम्स आते हैं, अमीबा और पैरामीशियम आता है, तो इसे हमने रखा है प्रोटिस्टा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माइकोप्लाज्मा बिलोंग्स टू विच किंगडम, माइकोप्लाज्मा किस जगत से संबंधित है। तो ये हम टेक्सोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं इसमें, तो ये जो है मोनेरा से रिलेटेड होता है माइकोप्लाज्मा, और माइकोप्लाज्मा को सबसे पहले जो है ये डिस्कवर किया था नोकार्ड एंड रॉक्स ने।
नेक्स्ट है एनिमल इन विच माउथ डेवलप अपोजिट टू ब्लास्टोपोर आर कॉल्ड, यानी कि जो माउथ है वो ब्लास्टोपोर के अपोजिट डेवलप होता हो तो वो किस में होता है, तो ये है ड्यूटेरोस्ट्रोम जो होते हैं ड्यूटेरोस्ट्रोम्स में, जिसमें ब्लास्टोपोर जो है वो एनस में डेवलप हो जाता है, बाकी के जो एनिमल्स होते हैं उनमें माउथ में डेवलप होता है ब्लास्टोपोर, जबकि ड्यूटेरोस्ट्रोम्स जो होते हैं उनमें एनस में डेवलप हो जाता है ये. नेक्स्ट है बायनोमल नोमेनक्लेचर वाज डिस्कवर्ड बाय, तो बायनोमल नोमेनक्लेचर जो है ये दिया था कैरोलस लिनियस ने. आसान सा क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन जो है पहले आ चुके हैं एग्जाम्स में, वही करवा रही हूँ मैं. हर्बीवोरस सी मैमल्स बिलोंग्स टू ऑर्डर, तो हर्बीवोरस सी मैमल्स जो हैं ये बिलोंग करते हैं साइरिना, साइरिनिया से जो है इसको ये बिलोंग करते हैं, ये ऑर्डर है इनका, इस ऑर्डर को बिलोंग करते हैं ये, जैसे कि डुगोंग्स डुगोंग्स एंड मैंटीस, ये जो है इनको हम सी काओ यानी समुद्री गाय भी जो है इनको कहते हैं, और ये बिलोंग करते हैं साइरिनिया को जो ऑर्डर को, और ये जो है इवॉल्व हुए हैं फ्रॉम एलिफेंट्स. नेक्स्ट है द टर्म बायोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस बाय, तो बायोलॉजी जो टर्म है वो लेमार्क ने दी थी. नेक्स्ट है द कॉमन यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, जो क्लासिफिकेशन की कॉमन यूनिट है कि जीनस है, फैमिली है, स्पीशीज है, ऑर्डर है और वेराइटी है, तो इनको हमें सीक्वेंस में जो है लगाना है स्मॉलेस्ट से लेके और स्मॉलेस्ट से शुरू करना है और बड़े तक जाना है. तो सबसे पहले आएगी स्पीशीज, देन आएगा जीनस, देन है फैमिली, देन है ऑर्डर एंड देन है वैरायटी. तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीरोस्पोरिंजिया बिलोंग्स टू द सब क्लास, ये जू मेस्टिगोफोरा को जो है बिलोंग करता है प्रोटीरोस्पोरिंजिया. नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इन द हिस्ट्री ऑफ एनिमल साइंस द पर्सन हु फॉर द फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉसिल एज एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन वाज, यानी कि एनिमल साइंस की इतिहास में वो पहला इंसान जिसने कि जो जीवाश्म है उनकी इम्पॉर्टेंस को जाना एज ए एविडेंस फॉर इवोल्यूशन, इवोल्यूशन के एविडेंस के रूप में, तो वो कौन है, तो वो है जॉर्ज कुवियर, जिनको फादर ऑफ पैलेंटोलॉजी भी कहते हैं, यानी इन्होंने ही जो है जीवाश्मों का रिलेशन बताया था इवोल्यूशन में. नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द ग्रुप इन विच हैविंग ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू द सेम क्लास, इसमें हमें सेम क्लास के जो है एनिमल्स बताने हैं. तो पहला वाला तो देखो डॉग फिश, ये कार्टिलेजिनस फिश है, सिल्वर फिश जो फिश नहीं है तो ये वाला तो रॉन्ग हो जाएगा. देन है ग्लोवर्म, सिल्कवर्म, हाउस फ्लाई एंड बेड बग, ये सारे के सारे जो है इंसेक्टा को बिलोंग करते हैं, क्लास इंसेक्टा को, तो इसका सही आंसर जो है वो बी हो जाएगा. नेक्स्ट है एप्लेशिया बिलोंग्स टू द क्लास, एप्लेशिया यानी कि जो स्नेर होता है जो घोंगा है वो किससे बिलोंग करता है, तो ये गैस्ट्रोपोडा को बिलोंग करते हैं. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड, इनमें से लैटिन वर्ड से जो है कौन से शब्द डिराइव्ड हैं, तो पोरीफेरा, एनेलिडा एंड मोलस्क, ये सारे के सारे जो है लैटिन वर्ड्स हैं, तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा सही. नेक्स्ट है लीनियस पब्लिश्ड हिज कॉन्सेप्ट ऑफ द बायनोमियल नोमेनक्लेचर फर्स्ट, लीनियस ने द्विनामकरण की विचारधारा सर्वप्रथम प्रकाशित की थी, तो इनकी जो बुक थी स्पीशीज प्लांटेरम इसमें इन्होंने सबसे पहले ये जो है अवधारणा दी थी बायनोमियल नोमेनक्लेचर की. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द बुक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज वाज पब्लिश्ड इन, तो प्रजातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक जो है जो कि डार्विन ने लिखी थी और ये पब्लिश हुई थी सबसे पहली बार 1859 में. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये थोड़ी क्वालिटी इनकी जो है बिगड़ गई है बट एनीवेज नेक्स्ट वीडियो से ध्यान रखेंगे. द फर्स्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम टू एग्जिबिट बायोलिटरल सिमेट्री, यानी द्विपार्श सममिति दिखाने वाला प्राणी जगत का पहला संघ है, तो ये है प्लैटी एलमेंथिस जो पहला संघ है जिसमें जो है ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स है, फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं प्लैटी एलमेंथिस यानी फ्लैट वर्म्स, ये बायोलिटरल सिमेट्री शो करते हैं, यही सबसे पहले जो बायोलिटरल सिमेट्री और ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं.
नेक्स्ट है द वर्ड स्पीशीज वॉज कॉइंड बाई, तो स्पीशीज जो शब्द है वो दिया था जॉन रे ने. नेक्स्ट है सरीसृप के निम्न में से किस उपवर्ग के कपाल की छत अविच्छित्र होती है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग सब क्लास ऑफ रेप्टाइल्स हैव द स्कल, जो स्कल जो है उनकी सॉलिड रूफ होती है स्कल की, तो ये जो होती है एनाप्सिडा में जिनकी जो स्कल है वो स्कल की जो रूफ है वो सॉलिड होती है. इसमें टर्टल्स आते हैं और बहुत सारे जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं रेप्टाइल्स वो आते हैं एनाप्सिडा में. और नेक्स्ट है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी यानी वर्गीकी के जो पिता है वो कौन है, तो ये है कैरोलस लिनियस. नेक्स्ट है रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, अधोगामी रूपांतरण विशेष लक्षण है किसका, तो ये अधोगामी रूपांतरण जो है वो यूरोकॉर्डेटा का लक्षण है. इसमें क्या होता है कि जो उनका लार्वा होता है वो अलर्ट एक्टिव और प्रोग्रेसिव होता है, जो कि मेटामॉर्फोस होके रिट्रोग्रेड एंड सिडेंट्री एडल्ट में जो है चेंज हो जाता है, तो एक्टिव से सिडेंट्री फॉर्म में जो है चेंज होता है, तो ये जो है रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस है. जनरली क्या होता है कि जो लेस एक्टिव लार्वल स्टेज से एक्टिव एडल्ट में चेंज होना होता है, बट यहाँ पे उल्टा हो रहा है, तो ये यूरोकॉर्डेट्स में होता है. नेक्स्ट है विच इज़ ट्रू, इनमें से सत्य क्या है कि पाइसेस रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स आर पोइक्यूरोथर्मल, मछलियाँ सरीसृप और पक्षी असमतापी हैं, तो ये गलत है क्योंकि बर्ड्स जो हैं वो वार्म ब्लडेड होते हैं, बाकी पाइसेस एंड रेप्टाइल्स जो है वो पोइक्यूरोथर्मल है यानी कोल्ड ब्लडेड एनिमल है जिनका टेम्परेचर जो है वो वैरी करता रहता है. नेक्स्ट है पाइसेस एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स आर एनएमनियोटा, तो ये भी जो है गलत हो जाएगा इसमें क्योंकि रेप्टाइल्स जो है वो एमनियोटा है, वो एनएमनियोटा नहीं है, बाकी ये पाइसेस और एम्फीबियन तो है. एव्स मैमल्स एंड रेप्टाइल्स आर होमियोथर्मल्स, तो ये जो है इसमें गलत है क्योंकि रेप्टाइल्स जो है वो अभी हमने देखा वो पोइक्यूरोथर्मल होते हैं, वो होमियोथर्मल नहीं होते हैं, तो इसका सही आंसर जो है वो होगा ऑप्शन फोर्थ. देख लेते हैं क्या है, तो रेप्टाइल्स एव्स एंड मैमल्स जो है वो एमनियोटा होता है यानी सरीसृप पक्षी और स्तनी एमनियोटा कहलाते हैं, बिल्कुल सही ऑप्शन है इसका. नेक्स्ट है पेरीपेटस बिलोंग्स टू क्लास, तो पेरीपेटस जो है वो बिलोंग करता है ओनिकोफोरा को, ओनिकोफोरा जो क्लास है उसे बिलोंग करता है. ये कैम्ब्रियन पीरियड में इवॉल्व हुए थे अराउंड 570 मिलियन ईयर्स अगो, और इनको जो है हम वेलवेट वॉर्म भी कहते हैं, ये अब भी पाए जाते हैं. स्मॉलेस्ट टेप वर्म इज, सबसे छोटा फीता कृमि होता है, तो ये है इकाइनोकोकस ग्रैन्यूलोसा, इसका पूरा नाम है इकाइनोकोकस ग्रैन्यूलोसस, जो कि 3 से 9 मिलीमीटर लंबा होता है, मतलब बहुत ही माइन्यूट सा है ये, छोटा सा. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कोरल, इनमें से कौन सा एक कोरल नहीं है. पहला है पिनेट्यूला, तो पिनेट्यूला जो है वो एक कोरल है जिसे हम सी पेन कहते हैं, और देन है ट्यूबिपोरा, ये भी एक सी कोरल है, एंड देन ऑक्यूनला, ऑक्यूलाइना भी एक सी स्टोनी कोरल है, जबकि साइनिया जो है वो जेलीफिश है, वो स्टिंगिंग जेलीफिश है, ये डंक मारती है, और तो ये ऑप्शन फोर्थ इसका करेक्ट हो जाएगी कि ये कोरल नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लास बाइवल्विया इज ऑल्सो कॉल्ड, तो बाइवल्विया वर्ग को क्या कहा जाता है, इसका जो दूसरा नाम है वो है पेलिसिपोडा ये जो है मरीन और फ्रेश वाटर मोलस्क होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एमनियोट्स डू नॉट इंक्लूड, तो एमनियोटा में क्या नहीं होता, ये क्वेश्चन पहले ऊपर भी आ चुका है और हमने देखा था, तो एमनियोटा में जो है एम्फीबिया नहीं आता है, बाकी रेप्टाइल्स पक्षी और स्तनधारी जो सरीसृप ये सारे एमनियोट्स हैं. लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का लिम्बलेस एम्फीबियंस आर प्लेस इन ऑर्डर, यानी पद विहीन एम्फीबिया प्राणी किस ऑर्डर में रखे गए हैं, तो ये जो है जिम्नोफियोनो में जो है इनको रखा जाता है, जिम्नो
फियोना में, इनके जो है लिम नहीं होते हैं, तो ये लिमलेस जो है रेप्टाइल एम्फीबियंस हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चंस करेंगे, तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।